प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन को किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बीते 9 साल में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी सरगर्मियां भी तेज। और प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम का फाइनल में प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शांतनु शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय और आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, शोध संस्थान जैसे विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी विचार विमर्श में भाग लेंगे। सम्मेलन में आयोजित विशेषज्ञों के 8 सत्रों में विचार विमर्श किया जाएगा। प्रत्येक सत्र प्रशासनिक सेवाओं और प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े मुख्य विषयों पर केंद्रित होगा। इन विषयों में संकाय का विकास, प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन और विषय वस्तु का डिजिटीकरण शामिल है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विकास के लिए चौतरफा कार्य किया है और 9 साल में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। लोगों की सुविधाओं में लगातार वृद्धि की है। जांजगीर चांपा के पंतोरा में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम जनमानस में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकास के साथ भारत को आगे बढ़ाया और विश्व के नक्शे पर भारत को सशक्त भारत के रूप में स्थापित किया। वर्षों के कार्यकाल का ये जो एक मिसाल हमने पेश किया देश के सामने कि विकास को आधार बना करके हम भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये क्षमता अगर किसी ने डेवलप किया है भारत के अंदर तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज दुनिया के अंदर भारत की चर्चा होती है। GST हमारे G20 का आप देखिए लीडरशिप अगर आज कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में भारत पहले 10वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार देश में विकास के कार्य कितनी तेजी से कर रही है। जैसे भारत के बारे में हम सोचते हैं कि 14 तक भारत 10वें स्थान पर था, आज हम 5वें स्थान पर हैं। प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़क का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री को अधिकारियों ने बताया कि 1700 करोड़ से 4 लेन सड़क बन रही है। इस सड़क के बनने से बिलासपुर से धनबाद की दूरी आधी हो जाएगी। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद गुहाराम अजगले, अकलतरा विधायक सौरभ सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 साल का कार्यकाल पूरा करने के उपलक्ष्य में देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न आयोजन चलाए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के विभिन्न स्कूलों में नया भारत उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने चित्रकला और रंगोली स्पर्धा में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी
ओम माथुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आम आदमी और देश हित में लागू की गई योजनाओं को चित्रकला के माध्यम से समाज के लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए बच्चे बधाई के पात्र हैं। पिछले 9 साल में जो आदरणीय मोदी जी ने भिन्न भिन्न जन सहयोगी योजनाओं को जो लागू किया है, उन लागू योजनाओं के कल्पना के आधार पर चित्रण के द्वारा समाज समझ सके और उनका बच्चों की कल्पना क्या क्या है, डिजिटल इंडिया कैसे काम करेगा, स्ट्राइक कैसे हुई, इन सब चीज़ों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो सारा उतारा है। बच्चों को वास्तव में बहुत बहुत साधुवाद है और आज का बच्चा ही आगे का भविष्य, भारत का भविष्य है, ये यहाँ साक्षात आप देख सकते हो और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि सारी इनकी ये पेंटिंग आदरणीय मोदी जी तक पहुँचे, जिसकी व्यवस्था भी मैं करूँ। कार्यक्रम के बाद सांसद सुनील सोनी ने मीडिया से चर्चा में केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया और लोगों से नया भारत उत्सव मिलकर मनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल और ये 9 साल में जो देश आगे बढ़ा है, अनेक योजनाएं इस देश के अंदर में आई है और आज बच्चों ने जिस प्रकार से रंगोली और पेंटिंग के अंदर उसको दर्शाया है वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने वैक्सीन है, सर्जिकल एयर स्ट्राइक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, प्रधानमंत्री आवास है, जल जीवन योजना है और एक अद्भुत कल्पना बच्चों की कि उसको और आगे बढ़कर जो है अपने रंगोली और पेंटिंग के माध्यम से धरातल पर उतारा है। उन सबको बधाई देता हूँ, आपकी सोच को बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री जी के 9 साल नया भारत उत्सव आइए हम सब मिलकर मनाएं। रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही मंगल गणेशा जाधव ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित करती है। नई शिक्षा नीति है, इसमें हमें ज़्यादा किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। इसके वजह से सारे जो भी सारे बच्चे हैं वो अपना करियर खुद चूज कर पाएंगे और एक ही करियर के साथ और भी और दूसरे करियर कर पाएंगे। इसी का ये परिणाम होगा नई शिक्षा नीति का। गौरतलब है कि नया भारत उत्सव के मद्देनजर आज से 24 जून तक विभिन्न स्कूलों में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इन प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को चित्रित किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के लिए किए जिन वादों को लेकर सत्ता में आई थी उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। कवर्धा में कुर्मी क्षत्रिय समाज के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन के समापन समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 600 करोड़ का चावल घोटाला और करोड़ों का खनिज घोटाला हुआ है। डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि भूपेश सरकार ने जनता को नरवा घुरवा बाड़ी में उलझा रखा है, जबकि विकास कार्यों का कहीं कोई पता नहीं है। 2000 करोड़ के शराब में घोटाले करने वाले, अभी डिपार्टमेंट जांच में फूड डिपार्टमेंट ने कहा कि 600 करोड़ का चावल भी घपला हुआ है, शराब में घोटाला, कोयले में घोटाला, रेत में घोटाला, नदियां का नदियां बेच दिया। ये सारी बात ईडी ने प्रमाणित करके न्यायालय में चलान प्रस्तुत कर दिया। ये तो कोरे बात करते हैं, नारेबाजी लगाते हैं, ये तो ईडी से प्रमाणित मामला है और ये सारे मामले में जो कोर्ट में जाएगा सब पे कार्रवाई होगी, कोई बच नहीं पाएगा। कार्यक्रम से पहले कुर्मी समाज के लोगों ने बाइक रैली भी निकाली जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के साथ सत्ताधारी दल कांग्रेस के पदाधिकारियों का दौरा भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज से 14 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों के दौरे पर रहेंगे। श्री माथुर आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। इसके बाद धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।
श्री माथुर कल 12 जून को धमतरी विधानसभा के पुरानी मंडी में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे। इधर रायपुर संभाग के 19 सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस में भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। वहीं रायपुर संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में सत्ता और संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से बातचीत चर्चा कर उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रदेश में अन्य छोटे दलों द्वारा भी अपने स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केंद्र सरकार के मुद्रा लोन योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर युवा अब स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के अकलतरी गाँव की कल्याणी साहू ने भी अपना रोजगार शुरू कर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। कल्याणी ने केवल 2 साल के भीतर न केवल अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त किया बल्कि 20 परिवारों को भी रोजगार मुहैया करा रही हैं। कल्याणी ने कोरोना काल में दूध बेचने का व्यवसाय शुरू किया था। 13 लीटर दूध से शुरुआत करने वाली कल्याणी आज प्रतिदिन 3600 लीटर दूध बेच रही हैं। उन्होंने 20 परिवारों को भी रोजगार दिलाया। आज केंद्र सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं और ये योजनाएं जमीनी स्तर पर वरदान साबित हो रही हैं उत्पादन के क्षेत्र में। और किसान मतलब लोकल फॉर वोकल की जो माननीय मोदी जी के सपना से लेकर आज आत्मनिर्भर भारत जो 12 मई 2020 के लॉन्च करी एखर से काफ़ी प्रेरणा लेते हुए ये जो व्यवसाय है ये मैं आगे बढ़ा है कि काम किए हूँ। 80 किसान जुड़े हुए हैं मोर साथ और ये जो दूध के हम सप्लाई या फिर जो मार्केट हम देते हैं वो कोरबा जिला जाते हैं, रायपुर जिला जाते हैं और महासमुंद, ये 3 जिला में दूध जो है हम सप्लाई देते हैं। ऐसा से हमारे गांव मल्ला भी एक अच्छा उचित मूल्य भी प्रदान किए जाते हैं और मतलब मिला था उचित दाम। कल्याणी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अलावा केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ जरूरतमंदों को लेना चाहिए। चक्रवात बिपरजॉय के अत्यधिक प्रचंड तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात के 15 जून को दोपहर तक सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों और पाकिस्तान के नजदीक पहुंचने की संभावना है। फिलहाल चक्रवात बिपरजॉय मुंबई से लगभग 600 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, पोरबंदर से 530 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और कराची से 830 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित है। तूफान को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें गुजरात के वडोदरा में जरोद गांव के नज़दीक तट पर तैनात की गई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तूफान के असर से कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में बहुत तेज वर्षा की संभावना है और तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम ने त्रिपुरा को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस प्रतियोगिता में बालिका फुटबॉल अकेदमी रायपुर की खिलाड़ी किरण पिस्दा ने 3 गोल किए जबकि बस्तर की पिंकी कश्यप ने 1 गोल किया। फाइनल मैच छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच 12 जून को खेला जाएगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों के 5000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में पदक हासिल किया है। आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर के कुबेर सिंह को 30 मीटर में सिल्वर मेडल मिला है और ओवरऑल चैंपियनशिप में वे दूसरे स्थान में रहे हैं। इसी तरह से आवासीय एथलीट अकादमी बिलासपुर की खिलाड़ी कुमारी तर्निका टेटा ने 100 मीटर विमेन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बीते 9 साल में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी सरगर्मियां भी तेज।
और प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम का फाइनल में प्रवेश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।